वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया था और हमने फर्स्ट पेपर के ऑलमोस्ट सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड पेपर की बात करेंगे और सेकंड पेपर हमारे पास आता है आदर्श गैस और उसकी घटनाएँ या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यूनिट वाइज चलेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, यूनिट के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारी की सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे के सारे स्टूडेंट बेनिफिट ले पाएँ। तो सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। देखिए बेसिकली ये बुक जो है ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक तो आइडियल गैसेज के बारे में, दूसरा हमारे पास आता है कौन सी गैसेस, रियल गैसेस, और तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास कहलाता है एक्यूलेट एंड नॉइज वाला सेक्शन, जो शोर या ध्वनि से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो हमारे इस तीनों इस बुक के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले आइडियल गैस वाली यूनिट जो हमारी फर्स्ट यूनिट है आइडियल गैस, जिसमें सिर्फ आदर्श गैस की बारे में बताया गया है, ओनली फॉर आदर्श गैस। आपको बेहतरीन तरीके से हमारे इस लेक्चर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताए गए हैं आदर्श गैस के अंदर, यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रूव गैस के गत्यात्मक सिद्धांत के लिए एकांक आयतन पर, कौन से आयतन पर, यूनिटी आयतन पर के स्थानांतरण की ऊर्जा 3/2/3 होती है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब सुनिएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, गैलुसोक का नियम, बोयल का नियम और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो मैं यहां लिख रहा हूं गैलुसोक का नियम, बोयल का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ये सारे के सारे लेक्चर आपको आपके इस YouTube चैनल पर मिलेंगे। इस नियम को पढ़ के जाइएगा, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। बैरोमेट्रिक समीकरण ज्ञात करो या टिप्पणी दो। तो बैरोमेट्रिक समीकरण 100% के अंदर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। तो ये जो है यहाँ से 5 नंबर जो है आपके पक्के होने वाले हैं। बैरोमेट्रिक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछी जाएगी कि बैरोमेट्रिक समीकरण क्या है, उसको व्युत्पन्न करो। चलिए ऊर्जा समविभाजन का नियम, ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है व्याख्या करो, उस ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है व्याख्या करो। तो बेहतरीन ढंग से आपने क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है। ऊर्जा समविभाजन के नियम से एक क्वेश्चन निश्चित है, चाहे वो शॉर्ट के अंदर आए, चाहे वो लॉन्ग के अंदर आए, चाहे वो मीडियम के अंदर आए। तो ऊर्जा समविभाजन से आपने एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके जाना है, रेडी करके जाना। चलिए अब बात है ऊर्जा समविभाजन में एक परमाणु गैस, द्वि परमाणु गैस और त्रि परमाणु गैस। ओके, एक परमाणु गैस, द्वि परमाणु गैस और त्रि परमाणु गैस, इन तीनों के जो हमारे पास रिलेशन थे उन रिलेशन से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Cp/Cv 1+2f 100% स्वतंत्रता की कोटियां, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की कोटियां 100% के अंदर पूछी जाएंगी। इंडिपेंडेंस ऑफ कोटियां क्या है और ये रिलेशन को आपको प्रूफ करना होगा। तो बड़े ही शानदार तरीके से मैंने रिलेशन करवा रखा है आपको, आप उसको बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, गैस की अभिधारणाएं, गैस की अभिगमन की धारणाएं बताइए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स की बात करूं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स यहां पर पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए D=n/ρ पर, डी क्या है, डी डेंसिटी है, और नीटा क्या है और रो क्या है, घनत्व है। अणुपरमाणु के लिए इन पर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल गैस की इस पहली यूनिट के अंदर, जिसमें सिर्फ आइडियल गैस का पोर्शन हमें मिलता है।
क्लियर है। तो सबसे पहले गत्यवते सिद्धांत गैलुसो का नियम पूछ लिया जाएगा, बैरोमेट्रिक समीकरण। मान लीजिए ये आप यहां पर एक गिफ्ट क्वेश्चन देके जा रहा हूं, गिफ्ट क्वेश्चन बैरोमेट्रिक समीकरण का। चलिए सेकंड यूनिट की ओर मूव करते हैं, जो आपकी वास्तविक गैस की है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो पाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यूनिट की ओर मूव करते हैं। सेकंड यूनिट जो हमारी वास्तविक गैस से संबंधित है, रियल गैस से संबंधित है। एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो लेक्चर आपके इस यूट्यूब पर उपलब्ध है, इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। चलिए वास्तविक गैस से संबंधित ये यूनिट है, रियल गैस से संबंधित। तो रियल गैस क्या होती है? सबसे पहले पीवी दाब में क्या होगा? आंशिक परिवर्तन होगा। और आयतन में क्या होगा? आंशिक परिवर्तन। और आरटीके क्या होगा? बराबर। तो ये हमारे पास वास्तविक गैस का एक पैटर्न आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वांडरवाल समीकरण के लिए, वांडरवाल समीकरण हेतु जूल थॉमसन मॉडल की व्याख्या करो, जूल थॉमसन मॉडल की व्याख्या करो। 100% क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं, वांडरवाल समीकरण से जूल थॉमसन मॉडल की व्याख्या करो। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, 100% पूछा जाएगा कि जूल थॉमसन मॉडल। और जूल थॉमसन मॉडल हमने मैक्सवेल की समीकरण के अंदर भी डिस्कस किया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्रांतिक नेतांकों को समझाइए, क्रांतिक नियतांकों को समझाइए या टिप्पणी दीजिए। तो टिप्पणी के अंदर आपने क्रांति क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उनके बारे में बताना है, क्रिटिकल टेम्परेचर किस तरीके से हमारे पास मिलता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टी सी इज इक्वल टू टी 8A/27AB, 27RB। तो ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसकी जगह ये पूछा जा सकता है कि ये प्रूफ करो। चलिए अब आदर्श, और अब देखिए जूल थॉमसन मॉडल जो है वो आदर्श और वास्तविक गैस दोनों केसेस पर पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका सुनिएगा, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन मॉडल का व्यंजक स्थापित करो, या ये ना पूछकर ये पूछ ले जाए कि वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन का मॉडल स्थापित करो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आपने पढ़कर जाने हैं। चलिए हीलियम फर्स्ट, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड के विचार करना है। इस पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड पर या तो डिफरेंस पूछ ले, या टिप्पणी पूछ ले, या इसके बारे में पूरा वर्णन पूछ ले। तो 100% क्वेश्चन जो है हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड पर पूछे जाने के चांसेस हैं। इस बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद है हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर घरों में उपयोग करने वाला जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर की व्याख्या करनी है। शायद शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां से रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये मैक्सवेल के अंदर भी है, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, और यहां भी हमारे पास एक टॉपिक मिलता है, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो आपसे पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बॉयल ताप यानी बॉयल टेम्परेचर और इनवर्स टेम्परेचर पर भी टिप्पणी आ सकती है। व्युत्क्रम ताप और बॉयल ताप क्या है? बॉयल ताप क्या है? टिप्पणी दीजिए। टिप्पणी का मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट बना दिए जाएंगे और दो पॉइंटों के अंदर लिखा होगा बॉयल ताप क्या है और व्युत्क्रम ताप क्या है। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लैम्डा पॉइंट एंड लैम्डा लाइन क्या है? एक नया क्वेश्चन है, लैम्डा पॉइंट और लैम्डा लाइन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यह पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ओके तो वास्तविक गैस में आपने इतने टॉपिक तैयार करने हैं, और इन टॉपिक को बड़े ही जबरदस्त तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकें। जूल थॉमसन मॉडल जो कि सुनिश्चित है, आना ही आना है। जूल थॉमसन मॉडल आपने मैक्सवेल में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ते हैं, दोनों जगह बिल्कुल सेम का रिलेशन है, कोई वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ओके चलिए ये तो हमारी थी दो यूनिटों की बात थी। इस दो यूनिट के बाद हमारी जो थर्ड यूनिट है वो मैक्सवेल वितरण पर है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलो थर्ड यूनिट के अंदर क्या कह रहा है,
थर्ड यूनिट जो है वो मैक्सवेल के रिलेशनों पर है, मैक्सवेल के रिलेशन। हालांकि मैक्सवेल रिलेशन जो हमने थर्मो में पढ़ा है, परंतु आज हम इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं कुछ एक टॉपिक्स। तो मैक्सवेल वेग वितरण नियम, वेग वितरण नियम 100% में क्वेश्चन आने वाला है मैक्सवेल वेग वितरण नियम पर। मैक्सवेल वेग वितरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको पढ़ के जाइएगा और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से पूछ लिया जाए डीएनसी बराबर 4πm2πkt और यहाँ पर 3 की पावर 2 e-mc2πc2dc। या तो ये पूछ ले या ये कह दे कि मैक्सवेल वितरण को नियम को समझाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अनुसरण काल क्या कहते हैं या अनुसरण काल पर टिप्पणी दीजिए, अनुसरण काल पर टिप्पणी दीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेविन का सूत्र क्या है, सेविन का सूत्र, सेविन का सूत्र क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सेविन का सूत्र। सेविन का सूत्र दे दे या ये पूछ ले कि 0.165 के लिए वी सिग्मा अल्फा डीएस जो है ये प्रूव करो, सिद्ध करो। सेविन का सूत्र, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में डायरेक्ट आएगा सेविन का सूत्र क्या है। चलिए उसके बाद आपको दे दिया जाए सी बार 8kt अपॉन पाई एम, या ये दे दें सी एम बराबर 2kt अपॉन एम या सी आर एम एस बराबर 3kt अपॉन एम। इन तीनों को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सी स्क्वेयर आर एम एस वर्ग मध्य मूलमान, सी स्क्वेयर आर एम एस, सी बार की स्क्वेयर, या तो इससे तीनों में रिलेशन पूछ लिया जाए, या तो इसमें रिलेशन पूछ लिया जाए, या इस पे क्या आएगा एक न्यूमेरिकल सुनिश्चित आना ही आना है। या तो वो न्यूमेरिकल पूछ ले या इसमें रिलेशन पूछ ले। ओके, तो आप बड़े ही शानदार तरीके से इसको करके आएंगे। दो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, दोनों न्यूमेरिकल अगर यदि एग्जाम में आते हैं तो आपका बेड़ा पार है। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए इस तरीके का अगर CMP कैलकुलेट करना है 2πt अपॉन m की पावर हाफ, तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए सी स्क्वायर आर एम एस में भी क्वेश्चन आएंगे। इन चार क्वेश्चन, इन पांच, चार पांच क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ये पैटर्न मिलने वाला है। तो बहुत इजी बुक है, मुश्किल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप लगातार तैयारी करें, जो जो इंपॉर्टेंट सीरीज बता रहे हैं उसको बड़े ही शानदार तरीके से करें और एग्जाम में अपने सफल डालें। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपन फोर्थ यूनिट की ओर मूव करेंगे जो हमारे पास ध्वनि और वेग अनुसरण पर आधारित है। चलिए अब अपन बात करें फोर्थ यूनिट के अंदर, फोर्थ यूनिट की। तो यूनिट नंबर फोर्थ में क्या दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तनी हुई डोरी के अंदर, तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का व्यंजक स्थापित करो। 100% में क्वेश्चन छपने वाला है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का व्यंजक स्थापित करो। चलो किस तरीके का व्यंजक होता है, v बराबर रूट एम जी पाई आर डी, या तो ये कह दे कि ये प्रूव करो, सिद्ध करो, और या कह दे तनी हुई डोरी में व्यंजक स्थापित करो। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपरगामी तरंगों के रूप में, अपरगामी तरंगों की क्या करनी है, ऊर्जा प्रवाह की विवेचना करनी है। क्या करनी है, ऊर्जा प्रवाह की विवेचना। अपरगामी तरंगों में ऊर्जा प्रवाह की विवेचना करो। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा वाला है। चलिए व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर, व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर, बेहतरीन क्वेश्चन। तीन नंबर का शॉर्ट और मीडियम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या तो शॉर्ट में पूछ ले कि कोई दो अंतर बताओ, या आपके पास मीडियम क्वेश्चन पूछ ले कि इन दोनों में डिफरेंस को कैलकुलेट करो। क्लियर है, व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर बताना है आपको। चलिए अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, गिफ्ट क्वेश्चन देकर जा रहा हूं यहां से। अध्यारोपण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने की 110% संभावना है, 10% संभावना है, क्योंकि अध्यारोपण सुपरपोजिशन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए अध्यारोपण है, यहां मैं लिख देता हूं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है और 5 नंबर आपकी मार्कशीट में ऐड होने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन छपेगा आप करके आएंगे और 5 नंबर आपकी मार्कशीट में एज इट इज जुड़ने वाले हैं। चलिए
विस्पंद क्या होता है, विस्पंद क्या होता है और विस्पंद से ग्राफीय रिप्रेजेंट, इसका ग्राफीय रिप्रेजेंट को समझाना है। ग्राफीय और गणितीय रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय और गणितीय रिप्रेजेंटेशन को समझाइए। जहां भी क्वेश्चन मिल रहा है विस्पंद से संबंधित, ग्राफिकल पोजीशन मिल रही है, मैथमेटिकल पोजीशन मिल रही है, आपने उसको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से मिल सकता है पराश्रव्य तरंगों से। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम छोड़ के आते हैं, लिसाजू की आकृतियां ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, परंतु यहां पर हमारे पास कुछ एक आकृतियां बनाई गई है हमारी बुक्स के अंदर, आप उनको देख कर जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि ड्रॉ लिसाजूस फिगर, लिसाजू की आकृतियों को बनाइए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन सभी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें छोड़कर ना जाएं, इन्हें पढ़कर अवश्य जाएं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोर्थ यूनिट के हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों के बाहर आने की संभावना भी है और नहीं भी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से तैयारी करें, इस वीडियो लेक्चर को देखना भी है। आप अपना टारगेट सुनिश्चित करें कि मुझे दो या दो से ज़्यादा की यूनिट जो है वो तैयार करके जानी है, अधिकतम 3 और मिनिमम 2 यूनिट, तो आपका टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले। यूनिट 5 जो है वो ध्वनि से संबंधित है, अंतिम यूनिट है इस चैप्टर की, इस हमारे पेपर की, और इस यूनिट में से फ्री के नंबर हैं और फ्री के नंबर आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप फ्री के नंबर ले सकते हैं, जो आपका गिफ्ट नंबर है फ्री के नंबर। तो गिफ्ट नंबर के अंदर ना कोई डेरिवेशन है, ना कोई यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए शोर लिख रहा हूँ, संगीत लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ तीव्रता, और यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रबलता, और यहाँ पर लिख रहा हूँ बेल व डेसीबल। चलिए इन 6 टॉपिक्स में से इनकी टिप्पणी आ सकती है, इनके बारे में यहाँ पर पॉइंट में रूप में बता सकता है। यदि ये क्वेश्चन लिख दिया जाए कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखो और टिप्पणी के आगे नीचे ऑप्शन दिए गए हों, तो इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है। चलिए और ध्वनि की तीव्रता के लिए वर्णग्राहिता को समझाइए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, टिप्पणी लिखो, फिर टिप्पणी आ गई है, गूंज की टिप्पणी लिखनी है कि गूंज क्या होती है। सेकंड बात है ध्वनि में प्रावर्तन और अपवर्तन, 100% टिप्पणी अगर पूछी जाए तो एग्जाम में ध्वनि में प्रावर्तन अपवर्तन पूछ लिया जाएगा। चलिए फिर अपन बात करें ध्वनि प्रास्रव की, फ्री के नंबर कह रहा हूँ यहाँ इस यूनिट से, यूनिट 5 जो है वो आपके फ्री के मार्क्स, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। चलिए वाद्य यंत्र से संबंधित क्या है, वाद्य यंत्र तो नाम सुना होगा, वाद्य यंत्र पर टिप्पणी लिखो, वाद्य यंत्र में से आपके पास बांसुरी आएगी, सितार आएगा, हारमोनियम आएगा और भी वाद्य यंत्र हैं, वो आप पढ़कर जाएं तो वाद्य यंत्र पर आपके पास टॉपिक्स मिलने वाला है। चलिए सुनार की कार्यप्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनार की कार्यप्रणाली बड़ा क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनने की संभावना है सुनार की कार्यप्रणाली, उसका वर्णन जो है आपने बड़े ही सुटेबल तरीके से करना है। अगर बड़े क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर सी सेक्शन में पॉइंट दे सकता है, मान लीजिए टिप्पणी लिखकर नीचे 5 पॉइंट दे सकता है, जो कि 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो पांचों यूनिट को हमने बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से डिस्कस किया और हमने एक यूनिट के बारे में विचार किया कि फ्री की यूनिट है, जो आपकी यूनिट जो है वो फ्री के नंबर है, वो यूनिट नंबर 5, जो यूनिट 5 जो है वो फ्री के नंबर है, आप इसे जस्ट रीड करके जाएंगे तो भी आपके यहाँ से 9 नंबर जो हैं वो पक्के होने वाले हैं, कन्फर्म होने वाले हैं। क्लियर है, तो मैंने पांचों यूनिटों का एक सार बता दिया, एक टॉपिक बता दिए, उन पांचों यूनिट को आप बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े ही शानदार तरीके से आप करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट यूनिट है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमारा ऑप्टिक्स का पेपर जो है, सभी विद्यार्थियों को ऑप्टिक्स के पेपर की
जो चिंता है उन चिंताओं को दूर करेंगे, वो इम्पोर्टेंट सीरीज बताएंगे और वहाँ से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे ऑप्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपने शेयर नहीं किया है, देखिए जब तक आप शेयर नहीं करेंगे विद्यार्थियों तक ये मटेरियल पहुँच नहीं पाएगा। और हमारा शुरू से ही टारगेट रहा है कि सारे के सारे विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर माध्यम के बेनिफिट ले पाएँ, लाभ उठा पाएँ। चलिए, और ये आपके जो पेपर्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको आपके मटेरियल, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने रहेंगे। आने वाले दिनों के अंदर हम और भी लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, एक न्यूमेरिकल की अलग से सीरीज लेके आएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, किस चैप्टर से, किस यूनिट से, किस पेपर से कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब आज के लिए, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल पाए। Thank you all of you.